एक ओर जहां योगी सरकार के फैसले को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव आए दिन उन पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी सरकार अब अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को बेचने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेपी सेंटर को बेचने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने योगी सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपी सेंटर की कीमत 1,642,43,00,000 रुपए निर्धारित की है। वहीं जेपी सेंटर को बेचे जाने को लेकर सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। सपा नेता ने कहा कि जो लोग बोलते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब वही लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब निर्णय लिया है, लेकिन फिर जब हम याद करते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, वो बेचने पे आए तो उन्होंने हमारी जितने गैस के एसेट्स थे वो बेच दिए, ऑयल के जो एसेट्स थे वो बेच दिए, रेलवे पे अडानी रेलवे का ठप्पा लग गया, एयर इंडिया बेचने पे लगे हुए बेच नहीं पा रहे हैं, LIC बेचने चल पड़े हैं। कोई भी कंपनी हिंदुस्तान की ऐसी नहीं बची जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट था देश का, चाहे स्पेस सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, रिफाइनिंग सेक्टर हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा जिसमें उन्होंने बेचने का काम न किया हो। अब उन्होंने निर्णय ले लिया है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में JPNIC सेंटर बेचने का। JPNIC सेंटर एक समाजवाद की विचारधारा के एक विरोधा का हमारे देश की उसके नाम पे है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सीखती, हमारे आने वाली पीढ़ियां सोचती, उससे मार्गदर्शन लेती एक किस तरीके से संघर्ष किया जाता है, आम आदमी के लिए सही गलत का अंतर कैसे किया जाता है, सभी धर्मों को सभी समाज को लेके कैसे चला जाता है, वो सीखने का काम करती है। लेकिन ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की उसको भी बेचना चाहती है, मैं इसका विरोध करता हूँ। साथ ही सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जेपी सेंटर के टेंडर को लेकर जांच करवाई जाएगी, साथ ही जेपी सेंटर के टेंडर को भी रद्द करने का काम सपा करेगी। और इतना और कहना चाहूंगा, जो साथी लेने का विचार बना रहे हो या जो टेंडर डालने का विचार बना रहा हूँ, उनको भी इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 2022 में मार्च में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार हटेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो भी टेंडर लेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से हम लोग जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद अगर नियम कानून का कहीं उल्लंघन किया होगा तो उस टेंडर को कैंसिल करने का काम भी करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, इस देश के इस प्रदेश के एसेट्स इस तरह नहीं बिकने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं बचा है, जो हमारे 75 साल में हिंदुस्तान ने इकट्ठा किया उसको बेच देना चाहते हैं। आपको बता दें कि जेपी सेंटर अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान 2012 से 2017 के बीच 5 साल में इसी सेंटर का निर्माण करवाया था। अब तक इस सेंटर पर 881.36 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हालांकि काम पूरा करने के लिए 130.60 करोड़ रुपए की और जरूरत है। इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य पर घोटाले के कई आरोप लगे थे। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।